अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह हदीस सच है या नहीं? अजान के दौरान जो शख्स बात करता है उसे मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। ये बात हमारे यहाँ इस कदर आम हो चुकी है कि लोगों ने सवाल भेजा है कि आया ये कोई बात हदीस में मौजूद है या नहीं। वाज़ह रहे कि अजान के वक्त खामोशी से अजान को सुनना और अजान का जवाब देना ये मुस्तहब अमल है, जबकि अजान के वक्त बिला जरूरत बातें करना ये मकरूह तंजीही है, खिलाफ औला अमल है। अजान के दौरान दुनियावी बातों के मुतालिक अवाम में एक बात मशहूर है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, वो इसको समझते हैं कि कोई हदीस है कि अजान के वक्त बातचीत करने से मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। ये बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ इस तरह की कोई भी बात की निस्बत करना जायज नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि कोई भी काम आप तक, कोई भी बात आप तक पहुंचे तो उसकी आप तस्दीक कर लिया करें। मैं बड़ा शुक्रगुजार होता हूं उन भाइयों का और बहनों का जो ये सवाल पूछकर तस्दीक कर लेते हैं कि आया ये बात किसी हदीस मुबारक में आई है या लोगों ने बस यूं ही आम कर दी है। अजान के आदाब के ज़मन में दुर्रुल मुख्तार मारद्दिल मुख्तार जिल्द नंबर 1 पेज 399 पर तफसीलात मौजूद हैं। बहरहाल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी।